जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे अवनी ने फोन करके बताया कि घर में क्या हुआ है। हमें तो किसी का फोन भी नहीं आया, इतने दिनों से वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं पता हमें। इन लोगों की लव मैरिज का भी आज ही पता चला। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि किसी से बात करने का मौका नहीं मिला। क्या करेंगे आप? जो होना था सो हो गया। बच्चों ने गलती की भी और उसकी सजा भी मिली इन्हें। पर सजा सिर्फ अर्पिता को मिली है आंटी जी। घर से सिर्फ अर्पिता को निकाला गया है, जबकि अक्षत भैया को उसके साथ होना चाहिए। ये रिश्ता तुम दोनों से है अर्पिता, तो तुम इस वक्त अकेली क्यों हो? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अक्षत को साथ आना होता तो वो मुझे भेजते ही क्यों? क्या अक्षत भैया ने तुम्हें भेजा? जब मैंने कहा कि घर से सिर्फ मैं जाऊंगी तो मम्मी जी ने कहा कि वो मेरे साथ चलेगी। अक्षत ने नहीं, अक्षत ने तो ये भी कहा कि मेरा अकेले जाना ही सबके लिए ठीक होगा। वो ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? ये शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई है अर्पिता, तो अलग होने का फैसला उनके अकेले का कैसे हो सकता है? जब प्यार दोनों ने मिलके किया है तो प्यार की सजा दोनों को क्यों नहीं? नहीं, ये गलत है। जो प्रॉमिस उन्होंने शादी से पहले और शादी के वक्त लिए उसे उन्हें निभाना ही होगा। तुमने जो करना था कर लिया अर्पिता, अब तुम्हारा ये भाई कुछ करेंगे। And I promise you, I will fight for your right and justice. और जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अक्षत भैया, अक्षत भैया नीचे आइए। क्या बदतमीजी है, क्यों चिल्ला रहे? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इस घर में बेवक्त और बेवजह मत आया करो। जो भी काम हो ऑफिस में करना। सॉरी सर, आज आपका असिस्टेंट नहीं, एक बहन का भाई आ रहा है। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, मैं बस कुछ सवालों के जवाब चाहूंगा। कौन से सवाल और कौन से जवाब? आप मेरे बहन के पति हो, उम्र और ओहदे में बड़े हो आप, लेकिन आज मैं वो सब भूल जाना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी बहन को दिए हुए वादे को भूल गए। राजे, मेरा पर्सनल मैटर है, इससे दूर रहो। ये पर्सनल मैटर था जब तक अर्पिता इस घर में थी, लेकिन उसके जाती उसकी फैमिली का मैटर भी हो गया है और उस फैमिली का हिस्सा मैं भी हूं। अर्पिता तुम्हारी मुंह बोली बहन, सगी बहन नहीं है तुम्हारी। रिश्ते बोलने से नहीं, निभाने से बनते हैं। और बात यहां भाई बहन के रिश्ते की नहीं, पति पत्नी के रिश्ते की है, जिसे आप निभाने में नाकाम रहे। तो क्या करना चाहते हो तुम? सजा देना चाहते हो? क्या करोगे? आपको अपने साथ लेके चलूंगा। वहां जा मेरी बहन है, वहां जा आपकी पत्नी है, आप दोनों साथ में रहेंगे। चलिए मेरे साथ। छोड़ो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राजे, तमाशा करना बंद करो। ये हाथ मैं तभी छोड़ूंगा जब ये हाथ में अर्पिता के हाथों में देखूंगा। चलिए राज, छोड़ो, आपको चलना ही होगा। राज, स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। रुक जा राज, वरना मैं पुलिस बुला के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अगर अपनी बहन को उसका हक दिलाने के लिए, उसकी फैमिली दिलाने के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। अर्पिता इस घर में एक नया परिवार का सपना लेके आई थी। आप लोगों का प्यार पाके बहुत खुश थी वो। जितना प्यार आपने अर्पिता को दिया उससे कहीं ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट अर्पिता ने आप लोगों को दिया। भावना आंटी ने उसे अपनी बेटी माना तो अर्पिता ने भी उन्हें मां से बढ़कर प्यार दिया। सब कुछ ठीक था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से अर्पिता को घर से जाना पड़ा? अक्षत भैया, आपने उसे जाने को कह दिया? अरे, आप दोनों एक प्यार से जुड़े हैं और प्यार लोगों को हमेशा साथ रखता है, अलग नहीं करता। जब अर्पिता को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने उसे जाने को कह दिया, क्यों भैया, क्यों? जवाब दीजिए मुझे, क्यों? ये तुम अर्पिता से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उसके घर छोड़ने के पीछे का सच क्या है? सच? कैसा सच? मैंने अर्पिता को अकेले जाने के लिए नहीं कहा था, यह अर्पिता का फैसला था।
सकती। मैं भी यही सोचता था, लेकिन उसने अगर हमारा साथ रहना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अक्षय, मैं इस घर से चली जाऊंगी ताकि बात आगे ही ना बढ़े। ये तुम क्या कह रही हो अर्पिता? मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम दोनों को साथ में मिले। अक्षय, बहुत कोशिश कर ली हमने पर कुछ नहीं हुआ। हमारे अलग होने से कम तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस मिल जाएगी। हम इसे कोई एक तो खुश रहेगा। अर्पिता, ठीक है अर्पिता, अगर तुमने यही फैसला लिया है then I think this is the only way। वो अवार्ड फंक्शन की नाइट तक मेरे साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अवार्ड फंक्शन के दिन उसे मेरे साथ ना देख के कोई भी हमारी फैमिली की रेपुटेशन पे कुछ भी कहे। वो अर्पिता का लास्ट डिसीजन था और मेरे लिए एक लास्ट होप थी कि शायद अवार्ड फंक्शन के दिन डैड मुझे माफ करते और किसी को भी ये घर छोड़कर जाना ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब अर्पिता भाभी ने फैमिली के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस किया जस्ट बिकॉज आप हम सबके साथ रह सको, वो इस घर को छोड़ के चली गई। कितना बड़ा दिल है उनका। आई नो, वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, इसीलिए तो मैं उसे इतना प्यार। जो कुछ भी हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, उसके पीछे एक सोच एक फैसला था। अर्पिता ने ये घर छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हुआ, अभी तक मैं चुप था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि एक भाई अपनी बहन के लिए कैसे रिएक्ट करेगा। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, जाओ यहां से। आई सेड लीव। क्या सोच के अर्पिता ने फैसला लिया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह फैसला ही साबित करता है कि फैमिली कम्स फर्स्ट। परिवार के रिश्ते प्यार में किए खोखले वादों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए परिवार वाले प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का साथ देते हैं और प्यार, थोड़ी सी परेशानी हुई और प्यार वाले अलग हो जाते। अर्पिता ने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। अपने प्यार को हारते हुए देखने से अच्छा उसने अपने प्यार को खो देना बेहतर समझा। वो अक्षत को उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने आप को ही अक्षत से अलग कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि प्यार कितना कमजोर होता है, कितना खोखला होता है। प्यार कमजोर बुनियाद पर खड़ी वो इमारत है जो अपनी बोझ तले ढह जाती है। राज, प्यार इंसान की कमजोरी हो सकता है पर प्यार कमजोर कभी नहीं हो सकता। अर्पिता जानती है कि वो अक्षत से अलग हो भी गई तो भी अपने प्यार से कभी अलग नहीं हो सकती। उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला अपनी फैमिली के सामने लिया। फैमिली वैल्यूज के सामने प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उनका ये रिश्ता इनके प्यार की जगह हमारी रजामंदी से होता तो आज अर्पिता ये घर छोड़कर नहीं जाता, हम उसे जाने ही नहीं देते। लेकिन जिस मैरिज के आगे लव लिखाओ उसके फ्यूचर की क्या गारंटी है? इसीलिए हमारे परिवार की सारी शादियां परिवार वालों की रजामंदी से होती है। ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, ना कि प्यार में किया गया कोई खोखला वादा जो कल था और आज नहीं। हाँ राज, ये प्यार आज से थोड़ी, ये तो तब से है जब से हमारी सभ्यता है। नल दमयंती पृथ्वीराज संयुक्ता, न जाने ऐसी कितनी प्रेम कहानियां हैं जिनको उनका प्यार कड़े इम्तिहान के बाद ही मिला। पर राज, तो टेंशन ना ले, प्यार पे भरोसा होना तो वो अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।